आज हम चिकन करी बनाएंगे, जिसके लिए 250 ग्राम चिकन लिया है, जिसे मैंने एक कप दही, आधा टी स्पून हल्दी पाउडर और आधा टी स्पून मिर्ची पाउडर के साथ डाल के एक घंटा तक मैरिनेट कर लिया है। तीन मध्यम आकार के प्याज लिए हैं, जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया। दो मध्यम आकार के टमाटर, इसे भी कट कर लिया। चार पांच अदरक के छोटे छोटे टुकड़े, 10-12 लहसुन की कलियां, एक टेबल स्पून कोकोनट पाउडर, करी पत्ता लिया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून, तीन छोटी इलायची, दालचीनी के छोटे छोटे 3-4 टुकड़े, लौंग 4 से 5, 1 टीस्पून जीरा, 2 हरी मिर्च और नमक स्वाद के अनुसार। कढ़ाई में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल मैंने गरम कर लिया है, गरम मसाला डालेंगे। अब प्याज डालेंगे, प्याज थोड़ा फ्राई हो गया है, अब इसमें हम अदरक, लहसुन, टमाटर और कोकोनट पाउडर डाल के थोड़ा और फ्राई कर लेंगे और स्वाद के अनुसार नमक। हमारा प्याज फ्राई हो गया है, टमाटर गल चुका है, अब इसे हम गैस से उतार लेंगे और ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीस लेंगे। प्याज टमाटर सबको मैंने इस तरह से पीस लिया है। उसी पैन में 1/2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालकर मैंने गरम कर लिया है। अब मिर्ची डालेंगे, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, धनिया पाउडर, इसे फ्राई कर लेंगे हम। मसाला को कम आंच पर मैंने फ्राई कर लिया है, अब इसमें चिकन डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ये भी याद रखना है कि नमक हमने मसाला में भी डाला है। अब हम आंच कम कर देंगे और इसे ढककर 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। 12 मिनट कम आंच पर पका लेने के बाद अब हम आंच तेज कर देंगे और इसे फ्राई करेंगे। पानी पूरा सूख चुका है, चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम टमाटर प्याज का मसाला, जिसे हमने पीस लिया था, वो मिलाएंगे। मसाला को अच्छे से मिला लिया है, अब इसे 2 मिनट हम फ्राई करेंगे। अब इसमें हम करी पत्ता डालेंगे, ये ऑप्शनल है। मसाला को मैंने 2 मिनट फ्राई कर लिया है, अब इसमें पानी डालेंगे। अब इसे 5 मिनट तेज आंच पर ढक कर छोड़ देंगे। 5 मिनट पका लेने के बाद देख सकते हैं चिकन पूरा पक चुका है। आप चाहे तो इसे धनिया से गार्निश कर ले सकते हैं।